जम्मू के कठुआ में आतंकी हमले में 5 जवानों ने आतंकियों से लड़ते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया है। वहीं 5 जवान इस आतंकी हमले में घायल हैं। बता दें कि कठुआ में हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले 5 जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। इस हमले में नायब सूबेदार आनंद सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी, कमल रावत, आदर्श नेगी और विनोद सिंह शहीद हुए हैं। वहीं जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में गम और गुस्सा है। वहीं जवानों के घर पर भी मातम पसरा हुआ है। बता दें कि शहीद नायब सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग जिले के कंदखाल गांव के रहने वाले थे। वहीं इस आतंकी हमले में शहीद होने वाले विनोद सिंह टिहरी गढ़वाल के चौन जसपुर के रहने वाले थे। विनोद ने भी देश के लिए अपनी शहादत दी है। साल 2011 में सेना में भर्ती होने वाले अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। विनोद 1 साल के बेटे और 4 महीने के बच्ची के पिता भी थे। इस कायराना आतंकी हमले में शहीद होने वाले राइफलमैन अनुज नेगी पौड़ी गढ़वाल से ताल्लुक रखते थे। बीते साल नवंबर में ही अनुज की शादी भी हुई थी। शहीद कमल सिंह रावत भी पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे। 2 बच्चों के पिता कमल अपने पूरे परिवार का सहारा थे। वहीं शहीद आदर्श नेगी भी टिहरी जिले के रहने वाले थे। आदर्श नेगी बीते फरवरी महीने में अपने घर भी आए थे। वहीं उनकी शहादत की खबर मिलते ही उनके परिवार में मातम पसर गया है। देश के लिए अपना बलिदान देने वाले इन सभी जवानों पर पूरे देश को गर्व है। हालांकि एक सवाल भी है कि वो कौन लोग हैं जो इन आतंकी हमलों के दौरान आतंकियों की मदद कर रहे हैं। इस बीच कठुआ आतंकी हमले को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है। जानकारी के मुताबिक कठुआ हमले में आतंकियों के कुछ लोगों ने मदद भी की थी। सूत्रों की माने तो लोकल गाइडों ने आतंकियों को खाना भी मुहैया कराया था और उन्हें पनाह भी दी थी। हमले को अंजाम देने के बाद इन लोकल गाइडों ने आतंकियों के भागने और छिपने में भी मदद की थी। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में स्लीपर सेल्स अभी तक बैठे हुए हैं जो इस अभियान को सपोर्ट करते हैं। अगर उनके 2-2, 3-3 दिन तक ऑपरेशन चलते हैं तो कौन सपोर्ट कर रहा है, लॉजिस्टिक्स कौन दे रहा है, एम्यूनिशन कहाँ से आ रहा है, उनको शेल्टर कौन दे रहा है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कौन दे रहा है। ये सब पैराशूट से नहीं उतरते और पेड़ पे रहते हैं, ये सब के सब का सपोर्टर है और सपोर्टर हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं। इसीलिए इनको अदम्य साहस दिखाना पड़ता है। कोई टेररिस्ट की कमी नहीं है क्योंकि POK का बॉर्डर खुला हुआ है। पाकिस्तान में भुखमरी है। पाकिस्तान में लोग 5,000 रुपए के भी लिए तो अपने बाप को मारने को तैयार हैं, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम है? वो तो आप जितना पैसा दीजिए वो आ जाएंगे। सपोर्टिंग सेल्स यहाँ पे है, रिलीजियस इशू है, दोनों साइड का रिलीजन भी एक है। जिहाद के नाम पर वो सब कुछ कर, एक गरीब आदमी सब कुछ करने को तैयार है, बाप अपने बेटे को आगे कर देता है जिहाद के नाम पर, तो ये सारा का सारा गेम चलता रहेगा सारा। और आप प्रॉब्लम सारी ये है कि एक तो स्लीपर सेल बैठा हुआ है वो जो उनको मदद कर रहा है, और वो स्लीपर सेल इसलिए कामयाब होता है कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो वितरित हैं। सारी की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज और आर्म फोर्सेज वगैरह अलग अलग कमांड में हैं। इनको एक चेन ऑफ कमांड में लाना पड़ेगा। पूरा जम्मू एंड कश्मीर का एक चेन ऑफ कमांड में जब तक नहीं होगा और सारी सिक्योरिटी एजेंसीज एक हेड के अंदर में नहीं होंगी, तब तक ये काम चलता रहेगा। ये जो रिलीजियस लीडर्स हैं जो उकसा रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों को, ये और ये टेररिस्ट और स्लीपर सेल्स बड़ी छोटी तादाद में हैं, बहुत ही छोटी तादाद में हैं। पूरी कौम का नाम बदनाम करके रखा हुआ है। इनको किस तरीके से निकालना है, ये तब निकलेंगे जब सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, सारी पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी पैरामिलिट्री फोर्स एक चेन ऑफ कमांड में होगी, एक ऑप्स रूम में होगी, एक जगह इंटेलिजेंस आ रही होगी, फिर देखिए। गौरतलब है कि जम्मू रीजन कश्मीर की तुलना में काफी शांत माना जाता रहा है। हालांकि हाल के दिनों में कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं। रियासी आतंकी हमले के साथ साथ पुंछ, राजौरी और डोडा में हुए आतंकी हमले इसी साजिश का इशारा कर रहे हैं। वहीं कठुआ में 1 महीने के अंदर ये दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले जून में भी इसी तरह की एक मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे, वहीं एक जवान शहीद हो गया था। कठुआ आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा बल पूरे इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और छिपे हुए आतंकियों की तलाश में जुटे हैं।
टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।